बिहार की दो जातियां दलितों की लिस्ट से बाहर। सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया दलित वर्ग का दर्जा। नीतीश को सुप्रीम कोर्ट से झटका, कौन है वो दो जातियां? बिहार में नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जिन दो जातियों को ईबीसी से निकालकर उन्हें दलित वर्ग का दर्जा दिया था, यानी अनुसूचित जातियों की लिस्ट में शामिल किया था, 9 साल के बाद अब उस जाति को भी झटका लगा है। बिहार सरकार को इसे सुप्रीम झटका लगा माना जा रहा है। वजह यह है, नीतीश कुमार को ये झटका देने में सुप्रीम कोर्ट का अहम रोल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के उस फैसले को निरस्त कर दिया है, जिसमें उन्होंने दो जातियों को अनुसूचित जाति यानी एससी यानी दलित वर्ग में शामिल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला संसद के अधिकारों के आधार पर लिया। अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अनुसूचित जाति की लिस्ट में किसी भी जाति का नाम जोड़ने या फिर उसे हटाने का अधिकार राज्य सरकार के पास बिल्कुल नहीं है, यह अधिकार केवल संसद के पास है। ऐसे में किसी भी जाति को किस आरक्षण के वर्ग में रखना है, ये संसद ही तय कर सकता है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार के इस फैसले को संविधान के साथ खेल करना भी बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर एससी की लिस्ट में दूसरी जातियों को शामिल किया जाता है तो अनुसूचित जाति के लोगों का हक मारा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में संविधान के आर्टिकल 341 का भी हवाला दिया है। सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इस बेंच में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने किन जातियों को दलित वर्ग से अलग कर दिया है, ये भी जानना जरूरी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से बिहार की दो जातियां तांती और तंतवा जाति को अनुसूचित जाति से अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार के 1 जुलाई 2015 के संकल्प को रद्द करने के आदेश भी दिए हैं। साथ ही ये भी आदेश दिए हैं कि जिन लोगों को इस एससी कोटे के तहत रिजर्वेशन का लाभ मिला है, उनको ईबीसी कोटे में शामिल किए जाएं। साथ ही ये भी कहा है कि इससे जितने भी पद खाली होंगे उन पर एससी जाति के लोगों को भरा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विचार मंच और आशीष रजक की याचिका के तहत सुनाया है। हालांकि ये मामला पटना हाई कोर्ट के दरवाजे तक भी पहुंचा था, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इस केस में याचिकाकर्ता को राहत नहीं दी थी। पटना हाई कोर्ट ने साफ तौर पर इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और 2017 में इस याचिका को खारिज कर दिया था। उसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहाँ से उनको अब जीत हासिल हुई है और नीतीश कुमार को सुप्रीम झटका लगा है। साथ ही तांती और तंतवा जाति के लोगों को भी करारा झटका लगा है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।